मेरे अजीज दोस्तों को जिशान का प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल नए स्टाइल में रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज हम बनाएंगे मसाला पीनट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। मैंने बाउल में लिए हैं 250 ग्राम पीनट सीड्स यानी मूंगफली के दाने, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालता हूँ एक अंडा। आपने अपने चैनल नमक नमकीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मैं इसमें डालता हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालता हूँ 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, ये पिसा हुआ गर्म मसाला है। अब मैं इसमें डालता हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें डालता हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर। अब मैं इसमें डालता हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा है, ये लाल मिर्च पिसी हुई है, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं डालता हूँ इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला, ये मैं डाल रहा हूँ नमक स्वाद अनुसार, नमक वैसे ये 1 चम्मच है। आप देख सकते हैं कि सारे मसाले पड़ चुके हैं। अब मैं बहुत ही अच्छी तरह से मसाले और मूंगफली आपस में मिक्स कर लूँगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मैं ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आता रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि सारे मसाले और मूंगफली आपस में कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालता हूँ कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर मैं डालूँगा इसमें 3 चम्मच। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे पीनट बहुत ही क्रंची बनेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब मैं इसमें डालता हूँ चावलों का आटा यानी राइस फ्लोर, ये मैं डालूँगा 2 चम्मच। चावलों का आटा डालने से हमारे पीनट बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब मैं इसमें डालता हूँ 1/4 चम्मच पिसी हुई हल्दी। हल्दी डालने से पीनट का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आपस में ये सब चीज़ कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं मूंगफली दानों को लगभग 1/2 घंटे के लिए उठा के रख देता हूँ। मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया है। अब मैं इसमें डालता हूँ कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल में कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये वैसे 200 ml कुकिंग ऑयल है। ऑयल को हम बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितनी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम मसाला पीनट को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऑरेंज कलर का फूड कलर ऐड किया है। अब ये मसाला पीनट देखने में कितने अच्छे लगने लगे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहली बार के मसाला पीनट बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने पैन में से बाहर निकाल लेता हूँ। हमें फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पर ही मसाला पीनट को फ्राई करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे इसे फ्राई किया तो ये जल सकते हैं, लो फ्लेम पे ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनते हैं। पीनट मसाला बनाना बहुत ही आसान है, ये तो आपने देख ही लिया है। इसको आप शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। पीनट मसाला को आप लगभग 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीनट मसाला सारे बनके तैयार हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इनको जल्द से जल्द सर्व कर लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और अपने आसपास सफाई रखिए। तो मिलते हैं जल्द अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।